फाइनेंसर यूट्यूब चैनल से मैं राहुल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब मैंने चैनल ओपन किया था, जो लोग नहीं जानते उनको मैं एक बार फिर दोबारा बता दूँ, मैंने उसमें बताया था कि मैंने कैशबिन से लोन लिया है, देखने के लिए कि कैशबिन किस तरीके से अपने जो कस्टमर होते हैं उनसे कैसे बिहेव करता है और क्या उसका बिहेवियर होता है अपने कस्टमर्स के साथ में। तो 15 दिन ओवर ड्यू करने के बाद कैशबिन ने मुझे गालियाँ दी, गंदी गंदी गालियाँ दी। आपने में भी वो वीडियो देख ली होगी, और ना भी देखी हो तो आप मेरे चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल होगी, आप वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके जवाब में हमने कैशबिन की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई हैं और कैशबिन को किस तरीके से हमने सबक सिखाया, आप उस रिकॉर्डिंग का फर्स्ट पार्ट इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो हमने वीडियो बनाई है आप लोगों को बताने के लिए, ये जो मैं आपको ऑडियो सुनाने वाला हूँ, हमने कैशबिन की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई हैं, ये उसका फर्स्ट पार्ट है। अगर आप उसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखना चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो इसलिए मुझे वो जो रिकॉर्डिंग है ये पार्ट्स बाय पार्ट्स रिलीज करनी पड़ रही है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप राहुल फाइनेंसर यूट्यूब चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ऑडियो रिकॉर्डिंग का फर्स्ट पार्ट हम आपको सुनाते हैं कि हमने कैशबिन की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई। तो चलिए ऑडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको क्या पूछ रही थी कि जो आप मुझे ये सारी की सारी चीज तो आपने मुझे बता दी, लेकिन जो ये चीज आपने मुझे बताई कि एथोलॉजी जो लेटर है वो कौन देगा, ये एडवाइजर को नहीं देगा ना, क्योंकि उनके वैक्यूटी लगाएंगे तो ये कब तक मुझे मिल जाएगा एथोलॉजी लेटर, ये बताइए। मैम फिलहाल जो है मैम, हमने आपको ऑन मेल दिया हुआ है, और मैम जो आपका आगे का कंसर्न है कि सर ऑन मेल जो है वो कोई एपोलॉजी लेटर नहीं, वो जो है वो सिर्फ कस्टमर ने आपको रिस्पॉन्स दिया, मतलब कस्टमर ने आपको रिकॉर्डिंग भेजी, उसका आपने जस्ट रिवर्ट दिया है, ठीक है। रिवर्ट दिया मतलब ये, हाँ सर रिवर्ट, सर ये रिवर्ट है, कस्टमर की इशू का सोल्यूशन नहीं है। कस्टमर ने आपको क्या, आपने आपको राहुल जी ने क्या बोला था कि मुझे एपोलॉजी चाहिए उस एजेंट से, आपने वो किया, कहीं पे भी उनका नाम मेंशन नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मैं ये कैसे मानूं कि क्योंकि मेरे पास, मैं तो एक लॉ एडवाइजर हूँ तो मुझे तो पता है कि एथोलॉजी लेटर्स क्या होते हैं। इसको आप कहीं पे भी लेके जाइए, कहीं पे भी आप लेके जाइए, कौन इसको एथोलॉजी लेटर मानेगा। ठीक है मैम, जो आपका इशू है ना मैम, इसके रिगार्डिंग एक बार जो है मैं अपने मैनेजमेंट में बात करके आपको थोड़ी देर के बाद कॉल बैक कर सकता हूँ आपको। आप मैम बात करने के लिए मैम आपका उचित समय होगा अगर मैं 5 या 10 मिनट के बाद आपको कॉल बैक करूँ सेम नंबर को। हाँ, और दीपेश मैं एक चीज और आपको पूछना चाहती हूँ, तो आप करिए राहुल, इनसे कॉल बैक लूँ या ना लूँ आप मुझे बताइए। हाँ जी, क्या आप मेरे क्लाइंट है, आपने सुनिए, सुनिए सुनिए डिपेंड डिपेंड, मैंने आपको बीच में इंटरक्ट नहीं किया, अब आप मेरी बात मेरे क्लाइंट से भी करने दीजिए। जी मैम बोलिए। अच्छा राहुल जी, ये डिपेंड जी मुझे बता रहे हैं कि मैं अपने मैनेजमेंट से बात करके आपको 5 या 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, तो क्या करें हम, इनकी कॉल बैक लें या फिर क्या करें, आप जैसा बता रहे हैं, क्योंकि आप मेरे क्लाइंट हैं, मुझे आपको पूछना जरूरी है। मैम 5-10 मिनट तो आप ऐसे पता भी कर सकते हैं, ये देख लीजिएगा आप, जैसा भी है बाय मेल या कुछ भी ले सकते हैं हम कॉल भी लेना चाहें तो। अच्छा तो दीपेश, आप अपने मैनेजमेंट से बात करेंगे और आप मुझे कितने देर में कॉल करेंगे, कि मुझे फिलहाल अभी बाहर भी जाना है एक मीटिंग के लिए, तो आप कितने देर में मुझे कॉल बैक करेंगे ये मुझे बता दीजिए। हाँ एग्जैक्ट टाइम आप मुझे दे दीजिए। मैम मैं 5:30 से पहले कर लूँगा। हाँ, और ये तो मेरा कंसर्न आपने रिजोल्यूशन दे दिया, अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये आपको राइट किसने दे दिया है कि अगर रेफरेंस, मान लो कि रेफरेंस में नंबर दिया हुआ है कस्टमर ने, फिर भी आप इसके कॉन्टेक्स्ट को हैक करके, ये एक हैकिंग, ये एथिकल हैकिंग है, इसको मुझे पता है कि आप लोग जो है वो कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करके, कॉन्टेक्स्ट में कॉल करके आप मिसबिहेव करेंगे, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जब आपने लोन दिया है इनको, तब उनके कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा पूछ के आपने लोन नहीं दिया ना, रेफरेंस तक को नहीं पूछा मैम। हाँ रेफरेंस, हाँ आप राहुल एक मिनट चाहूंगी, एक मिनट जरा मैं इनसे बात कर लूँ, जरा इनसे जवाब ले लेते ना, आज भी क्या लोग जवाब देते हैं अभी ये कोई। हाँ बताइए दीपेश। जो मैम इसके रिगार्डिंग जो आपने क्वेश्चन पूछा, इसके रिगार्डिंग जो मैम मेरे आंसर है मैम, यही होता है कि अगर जैसे कि कस्टमर ने अपना जो मेन नंबर है उसमें कॉल पिक नहीं किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, हमको पे नहीं किया,
तो मैम हम उसके रेफरेंस नंबर पे ही कॉल करते हैं, और रेफरेंस नंबर के अलावा मैम कॉन्टैक्ट का तो मैम ऐसा मैम हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है कि हम उनके कॉन्टैक्ट पर कॉल करें। मैम इसके रिगार्डिंग भी जब मैं आपकी अभी बात करवाऊंगा तो आप इस बात को भी वहाँ पर रख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट पर कॉल क्यों किया गया, राइट मैम। हाँ, और मैम राहुल जी आपकी जो रिकॉर्डिंग है राहुल उसमें तो आपके कॉन्टैक्ट वहाँ पे गिनवाए जा रहे थे। बिल्कुल, यूट्यूब में चल रहा है, यूट्यूब में लिंक दे सकते, यूट्यूब में चल रहा है वो रिकॉर्डिंग, सब चल रहा है, बिल्कुल ऑन कॉल चल रहा है वो कैशबीन का। हाँ, तो दीपेश जी इनके कॉन्टैक्ट बाकायदा इनको गिनवाए गए कि ये कॉन्टैक्ट है, और मैम यहाँ पर रेफरेंस पे कॉल कर सकते हैं, ये आपका राइट बनता है कि कस्टमर जो अगर पे नहीं कर रहा है ये आपका राइट है, लेकिन आपका राइट ये नहीं है कि कस्टमर के कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप कॉल करके उनको मतलब हरेस कीजिए, ये आपका राइट नहीं बनता, ये क्रिमिनल ऑफ ऑफेंस बनता है सीधी सी बात है। और अगर मेरा कोई अगर कस्टमर का जो ये मेरा क्लाइंट है ये लोन पेमेंट नहीं करते तो इनका भी क्रिमिनल ऑफ ऑफेंस नहीं बनता, इनका बनता है सिविल केस बनता है। पहली बात, इसमें आपकी पुलिस ये सारी धमकियां जो आप लोग देते हैं थ्रेटनिंग करते हैं कस्टमर को, इसमें पुलिस पुलिस कुछ नहीं कर सकती किसी भी चीज़ की, क्योंकि पुलिस अपॉलॉजी फॉर द इनकन्वीनियंस मैम, मैं पहले भी आपसे माफी मांग चुका हूँ आपके क्लाइंट से। तो मैम मेरे को मैम आपसे इतना जानना था कि जब मैं आपको कॉल करूंगा बिफोर 5:30 तो किस नंबर पर मैं कॉल करूंगा कि आपसे बात करने का उचित समय लगे और वो नंबर भी लग जाए। मैम नहीं, वो नंबर तो लगेगा, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो पब्लिक फिगर ही होता है। अगर मैंने आपको कॉल किया है जिस नंबर से, आप उसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैं अपने क्लाइंट को जो है वो कॉन्फ्रेंस में ले लूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। मैम जो नंबर से अभी आपने हमको कॉल किया है, हाँ नहीं यस डेफिनेटली, हाँ यही नंबर है मेरा, आप इसी पे कॉल बैक कर सकते हैं मुझे। और यार ऐसा मत कीजिए, कस्टमर के साथ हैरेसमेंट करने से कोई पेमेंट नहीं देगा, ये अगर कोई देने वाला होगा भी ना तो भी नहीं देगा आपको पेमेंट। कस्टमर को आप थ्रेट करते हो, ये थ्रेट करते हो आप तो कस्टमर को, यार थ्रेट क्यों करते हो आप कस्टमर को, खाली खाली के कस्टमर को नॉलेज नहीं होता इसलिए आप थ्रेट कर देते हो। ये तो सोशल वर्क करते हैं, इनको इतना नॉलेज है शायद। राहुल मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मैं भले ही एडवोकेट हूँ बट मुझसे भी ज्यादा इनको थोड़ा नॉलेज होगा तभी ये इतनी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात तो ये ना कि आप लोग थ्रेट क्यों करते हो कस्टमर को कि आप पुलिस में दे देंगे, पहली बात तो ये पुलिस केस बनता ही नहीं है, और पुलिस केस तो आपका बनता है, पुलिस केस तो कैशबीन के एजेंट बनता है कि कैशबीन जो है वो कस्टमर को कॉल ना करने के लिए सीधा कॉन्टेक्ट में कॉल करे, और कॉन्टेक्ट का एक्सेस किसी को नहीं है। और कहीं अगर मान लो कि व्हाट्सएप है, एक एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप को मैंने कॉन्टेक्ट की परमिशन दी, ठीक है, तो क्या व्हाट्सएप मेरा कॉन्टेक्ट तक कभी कॉल करेगा? मैम इनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये इनक्रिप्टेड रहता है डेटा, गूगल भी एक्सेस नहीं कर सकता हमारे डेटा को, तो मैम ये कैसे एक्सेस कर सकते हैं? नहीं ये एथिकल हैकिंग करते हैं राहुल, ये इनका तरीका ही। जी जी जी, हेलो दीपेश लाइन पे है? यस मैम मैं लाइन पे हूं। तो ये आप हाँ तो दीपेश एज अ रिप्रेजेंटेटिव आपको ये चीज नहीं पता है क्या कि कस्टमर को कॉन्टेक्ट जो कस्टमर ने रेफरेंस में नंबर दिया है उस पर रेफरेंस को कॉल कर सकते हैं ना आप, कॉन्टेक्ट में कॉल क्यों कर रहे? और ये कहाँ मेंशन, आप टर्म्स एंड कंडीशन का हवाला दे रहे हैं मुझे बार बार, ठीक है, तो ये कहाँ टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर है उतने नंबर पर हम कॉल करेंगे, ये कहाँ मेंशन है मुझे इतना बता दिया, कौन से पैराग्राफ में कौन से सेंटेंस में ये मेंशन है आपका ये चीज? मैम इन सारी चीजों का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, पहले तो मैम आपको इस चीज का जवाब दे रहा हूँ कि जो आपने कहा कि आपके जो कॉल आता है उसमें हैरेसमेंट क्यों किया जाता है, तो मैम उसके लिए मैम मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैम हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी कस्टमर के साथ मिसबिहेव किया जाए। तो ये रिकॉर्डिंग ऐसे ही आ गई आपके पास? यस मैम, जो आपके साथ हुआ है मैम मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। और मैम तो एडवाइजर किसके बिहाफ में काम करता है, वो कहाँ काम करता है, कैशबीन में ही काम करता है कि कहीं और काम करता है? यस मैम, जो आपका इशू है मैम इसको लेके ही मैं आपके मैनेजमेंट से बात करवाऊंगा, मैम थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, और मैम इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बस मैम जो हमारा रिकवरी करने का ये होता है इससे मैम नुकसान कस्टमर का ही होता है, अगर वो ऑन टाइम पे नहीं करता कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता कस्टमर का नुकसान, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता कस्टमर का नुकसान। ज्यादा से ज्यादा एक बात मैं आपको बता दूँ, तो ये काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां तक लिख के रखना है वहां पर लिख के रख लीजिए, क्योंकि मैंने इस लॉ में मैंने एलएलबी किया हुआ है, मुझे इतना पता है कि कौन सा लॉ कहां पर काम करता है। सबसे पहली बात सिबिल को रिपोर्ट करने के साथ साथ क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, हालांकि आप ये भी नहीं कर सकते, ये भी मुझे पता है कि आप सिबिल को रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, और पहली बात तो ये है कि सिबिल को रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, और ये भी मुझे पता है
कि सिबिल का रिपोर्ट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पनिशमेंट कस्टमर की ये होती है कि उनका जो सिबिल स्कोर है वो आप डाउन कर सकते हो, मे बी ठीक है, शायद वैसे नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हो सकता है कि ऐसा हो। बाकी आप ये भी कस्टमर को थ्रेट देते हो कि हम आपका आधार कार्ड ब्लॉक कर देंगे, आपका पैन कार्ड ब्लॉक कर देंगे। ये किसने राइट दे रखा है आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड का? ये क्या आप बनाते हो, कैशबैक बनाती है आधार कार्ड पैन कार्ड? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, ये मैम गलत इन्फॉर्मेशन है, यही है मैम सिविल इम्पैक्ट होता है। राहुल जी ये आपके यूट्यूब पे आप जरूर डालिएगा कि ये कैशबैक वाला देखो जो मैं जो मैंने देखो मैम जो मैंने एक्शन लिया है जो जिस जिस कदम के लिए मैंने मैम जिस चीज के लिए मैंने कदम उठाया है तो मैम वो तो मैम अपने रिव्यूअर्स को मैं दिखाऊंगा ना जिनके लिए मैंने ये सब लोन लिया ये सब किया तो दिखाना पड़ेगा ना एक्शन लिया। राहुल हां जी कॉल रिकॉर्डेड है कॉल ओके यहाँ क्योंकि ये कैशबैक वाले खुद एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं कि ऐसा जो आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक करने का जो थ्रेटनिंग आपको दिया जाता है वो गलत इन्फॉर्मेशन है। मैम ऐसा मैंने बोला ही नहीं मैम, ऐसा मैम मैंने बोला कुछ भी नहीं होता। आप दोबारा मैम कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, मैम मैंने बोला आधार कार्ड पैन कार्ड ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेस कुछ भी नहीं होता है मैम। जो वही तो मैंने बोला आपका कमिटमेंट मैंने सिर्फ पास ऑन किया है राहुल जी को, ठीक है। और मैम इसके अलावा मैंने ये बोला कि 2% लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है और उनका सिविल इम्पैक्ट हो सकता है, तो मैम ये चीजें होती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता मैम। तो फिर आप कस्टमरों को क्यों फालतू में बदबरा धमकाते हो? मैम कमाल देखिए एक चीज और बता दूंगा मैं आप इनके अगेंस्ट, मैम मैं इनके जो एग्जीक्यूटिव है मिस्टर शिव कुमार मौर्या बात हुईगी, मैंने इतने अच्छे तरीके से उनको समझाना चाहा है बहुत अच्छे तरीके से इस लोन लेने के बाद में, हर एक एग्जीक्यूटिव को समझाया मैंने इनके, और रिकॉर्डिंग देख लेंगे यूट्यूब पे हर तरीके से, फिर भी इनको मैम समझ नहीं आया कि किस बंदे से हम बात कर रहे हैं और किसकी मैम प्रोफाइल पे हाथ उठा रहे हैं।